हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा तृतीय की एक कहानी देखेंगे। शीर्षक है चांद वाली अम्मा। रचनाकार है तारा निगम। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था, घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता था, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी, रस्सा कस्सी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कस्सी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर वही झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।